गैमेटोफाइट। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम रिक्शिया के गैमेटोफाइट को स्टडी करेंगे। रिक्शिया की सिस्टमैटिक पोजीशन इस प्रकार है, क्लास हिपेटिकॉप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियस, फैमिली रिक्शियेसी, जीनस रिक्शिया। रिक्शिया को क्लास हिपेटिकॉप्सिडा में रखा गया है और हिपेटिकॉप्सिडा के जो मेंबर्स हैं इनमें प्लांट बॉडी या तो थायरॉइड होती है अथवा यह फोलियोस होती है। इनके जो प्लांट बॉडी है इनमें स्केल्स एवं राइजॉइड्स उपस्थित होते हैं एवं इनका जो कैप्सूल होता है इसमें कॉल्यूमेला एब्सेंट होती है। कैप्सूल में कोई डिहाइसेंस मैकेनिज्म नहीं पाया जाता। ऑर्डर मार्केंशियस के अंतर्गत, क्लास हिपेटिकॉप्सिडा के अंतर्गत इसे ऑर्डर मार्केंशियस में रखा गया है और ऑर्डर मार्केंशियस के जो मेंबर्स हैं इनकी प्लांट बॉडी फ्लैट ग्रीन डॉर्सीवेंट्रल और डायकोटोमसली ब्रांच होती है, हरे रंग की शयान एवं द्विभाजी शाखित होती है। इनमें स्केल्स एवं राइजॉइड्स पाए जाते हैं। राइजॉइड्स दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ वॉल एवं ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स। राइजॉइड्स एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होते हैं व यह अनब्रांच अशाखित होते हैं। ऑर्डर मार्केंशियस के जो मेंबर्स हैं इनकी जो आर्किगोनियम होती है इसमें जो नेक होती है वह 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल से निर्मित होती है। ऑर्डर मार्केंशियस के अंतर्गत इसे फैमिली रिक्शियेसी में रखा गया है और रिक्शियेसी जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं इनकी प्लांट बॉडी जो है प्रोस्ट्रेट होती है, फ्लैट होती है और डायकोटोमसली ब्रांच होती है। यह जो थैलस है इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें जो है डॉर्सल फोटोसिंथेटिक रीजन एवं वेंट्रल स्टोरेज रीजन स्पष्ट रूप से उपस्थित होता है एवं फोटोसिंथेटिक रीजन में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स एवं एयर पोर और एयर चैम्बर्स भी उपस्थित होते हैं। फैमिली रिक्शियेसी के अंतर्गत जो है जीनस रिक्शिया। रिक्शिया जो है इसका आवास यह एक डैम सॉइल मीन्स नम मृदा में पाया जाता है एवं इसके अलावा यह मॉइस्ट शेडी कूल प्लेस और रॉकी हैबिटेट्स पर भी उपस्थित होता है। भारत में रिक्शिया की करीब 130 स्पीशीज जो है पाई जाती हैं जिसमें से करीब 14 स्पीशीज जो है राजस्थान में पाई जाती हैं। रिक्शिया जो है जो भारत में पाई जाने वाली रिक्शिया की जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज हैं वह है रिक्शिया सिलिएटा, रिक्शिया गिगेंटिका, रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया फ्रॉस्टाइल, रिक्शिया रेटिकुलेटा, रिक्शिया हिरसुटा। रिक्शिया की एक स्पीशीज जो है एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाई जाती है, एक्वेटिक स्पीशीज है रिक्शिया की रिक्शिया फ्लूटल्स। यह जो है लेक्स में और स्ट्रीम्स में पाई जाती है। गैमेटोफाइट ऑफ रिक्शिया, जैसा कि हमने देखा था कि स्पोरो जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इन ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, गैमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज। और ये दोनों ही अवस्थाएं जो है रिक्शिया की लाइफ साइकिल को बनाती हैं। इसमें से जो गैमेटोफिटिक अवस्था है वह डोमिनेंट अवस्था होती है। गैमेटोफिटिक जो है ब्रायोफाइट्स की जो गैमेटोफाइट होते हैं वह ग्रीन कलर के होते हैं और यह अपना भोजन, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स उपस्थित होता है, यह अपना भोजन खुद बनाने में सक्षम होते हैं, इसीलिए हम इसे डोमिनेंट अवस्था कहते हैं। रिक्शिया का जो गैमेटोफाइट है वह थैलॉइड प्लांट बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। थैलॉइड प्लांट बॉडी मीन्स ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट स्टेम लीव्स नहीं पाई जाती, इसीलिए ऐसी प्लांट रिक्शिया को जो है थैलॉइड जो प्लांट बॉडी है इसका जो गैमेटोफाइट है वह थैलॉइड है, इसमें रूट स्टेम लीव्स नहीं पाई जाती। इसका जो गैमेटोफाइट है वह बहुत ही छोटा होता है, इसकी साइज करीब 5 से 7 मिलीमीटर होती है और इसकी जो विड्थ होती है 1 से 3 मिलीमीटर होती है। और यह जो गैमेटोफाइट है यह हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का, फ्लैट, प्रोस्ट्रेट, डॉर्सीवेंट्रल और डायकोटोमसली ब्रांच होता है, हरे रंग का, शयान और चपटा,
वह द्विभाजी शाखित होता है। इस जो थैलस है, इस थैलस में जो है एक बीचों बीच एक मिडरिब उपस्थित होती है, और थैलस में यह मिडरिब एक डॉर्सल ग्रूव के रूप में, खांच के रूप में जो है दिखाई देती है। इसे हम डॉर्सल ग्रूव भी कहते हैं। थैलस जो है डायकोटोमसली ब्रांच होता है, और इस डायकोटोमसली ब्रांचिंग होने के कारण यह जो थैलस है एक रोजेट आकृति जो है ले लेता है। रोजेट आकृति मीन्स रोज लाइक शेप जो है एक्वायर करता है। थैलस की जो प्लांट बॉडी है यह ग्रुप्स में ग्रो करती है और डायकोटोमसली ब्रांच हो जाती है। डायकोटोमस ब्रांचिंग होने से यह थैलस जो है रोजेट हैबिट एक्वायर करता है, रोज के आकार का दिखाई देता है। यह डायकोटोमस ब्रांचिंग के कारण होता है। थैलस में डॉर्सल ग्रूव जो है थैलस के एपेक्स पर, एपिकल एपेक्स पर एक खांच के रूप में जाके यह रुक जाती है, और ये जो खांच है इसे हम एपिकल नॉच कहते हैं। इस एपिकल नॉच में इसका एपिकल सेल उपस्थित होता है। थैलस में स्पष्ट डॉर्सल एवं वेंट्रल सरफेस उपस्थित होते हैं। डॉर्सल सरफेस में डॉर्सल ग्रूव उपस्थित होती है, और इसमें जो है सेक्स ऑर्गन्स एम्बेडेड होते हैं मिडरिब रीजन में। मिडरिब रीजन में सेक्स ऑर्गन एंथिडियम और आर्किगोनियम धसे हुए एम्बेडेड जो है रहते हैं। अगर हम इस थैलस का वेंट्रल सरफेस देखें तो हम यह देखते हैं कि थैलस के वेंट्रल सरफेस में जो मिडरिब रीजन है, यह इस मिडरिब रीजन से राइजॉइड्स अराइज होते हैं। यह राइजॉइड्स दो प्रकार के हैं, स्मूथ वॉल राइजॉइड्स एवं ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स। राइजॉइड्स जो है यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं। स्मूथ वॉल राइजॉइड्स वह राइजॉइड्स होते हैं जिनकी आउटर एवं इनर जो वॉल है वह स्मूथ होती है, चिकनी होती है, जबकि ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स में जो इनर वॉल है वह पेग लाइक इन ग्रोथ जो है उसमें पाई जाती है। राइजॉइड्स आर सिंपली द ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल। यह एपिडर्मल, लोअर एपिडर्मल सेल जो है इनकी ग्रोथ ही है दरअसल। यह राइजॉइड्स थैलस को सतह से चिपकाने में सहायक होते हैं एवं यह वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। यह थैलस की सतह से पकड़ बनाए रखते हैं। इसके अलावा वेंट्रल सरफेस में मार्जिन्स पर, ये देखिए मार्जिन्स पर स्केल्स उपस्थित हैं। यह स्केल्स रिक्शिय में मार्जिन्स पर उपस्थित होती हैं सिंगल रो में। स्केल्स आर मल्टीसेलुलर, स्केल्स मल्टीसेलुलर होती हैं। राइजॉइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, स्केल्स आर मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय होती हैं और सिंगल लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग द्वारा यह घिरी हुई रहती है। स्केल्स में एंथोसाइनिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण यह पर्पल कलर की जो है दिखाई देती है। स्केल्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। स्केल्स जो है वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ साथ यह स्केल्स एक खास फंक्शन करती हैं, कार्य करती हैं। यह एपिकल नॉच रीजन में ओवरलैप कर लेती हैं। स्केल्स जो है पास पास स्थित होकर एक दूसरे के ऊपर जो है घिर कर एपिकल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का मुख्य कार्य करती हैं। इस तरह यह एपिकल सेल को सुरक्षा प्रदान करती है, उसे नष्ट होने से बचाती हैं। यदि हम थैलस का वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो हम यह देखते हैं कि थैलस में दो स्पष्ट रीजन उपस्थित हैं, अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एवं लोअर स्टोरेज रीजन। थैलस के यहां मार्जिन्स पर जैसे कि हमने देखा था स्केल्स उपस्थित हैं, तो जब हम इसका वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो स्केल्स इसके मार्जिन्स पर उपस्थित होती है और इसके लोअर सरफेस से, लोअर एपिडर्मल सेल से राइजॉइड्स अराइज होते दिखाई देते हैं। इसी का अगर हम सेलुलर सेक्शन, सेलुलर व्यू देखें, डिटेल व्यू देखें, तो यह सेक्शन हमें इस तरह दिखाई देता है। यह इसका डॉर्सल फोटोसिंथेटिक रीजन है, और यह डॉर्सल फोटोसिंथेटिक रीजन फोटोसिंथेटिक फिलामेंट से निर्मित है। यह फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स अनब्रांच होते हैं और यूनिसीरिएट होते हैं, और इनके बीच में एयर चैम्बर उपस्थित है, और यह एयर चैम्बर जो है एयर पोर के माध्यम से
जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है ओपन होता है। इन फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स में जो है डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का मुख्य कार्य करते हैं। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के टिप पर एक लार्ज सेल उपस्थित होती है। इस टिप वाली जो कोशिका है, टिप सेल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते और यह जो है नॉन क्लोरोफिलस सेल होती है। जो लोअर रीजन है इसे हम स्टोरेज रीजन कहते हैं। इस स्टोरेज रीजन जो रीजन जो है यह कॉम्पैक्टली अरेंज पेरेंकाइमेटस सेल से निर्मित होता है। पेरेंकाइमेटस सेल्स बहुत ही पास पास स्थित हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हैं और इन पेरेंकाइमेटस सेल्स में स्टार्च भरा होता है, इसीलिए हम इसे स्टोरेज रीजन कहते हैं। स्टोरेज रीजन की जो लोअर मोस्ट सेल है वह लोअर एपिडर्मिस का निर्माण करती है और लोअर एपिडर्मिस से जो है राइजॉइड्स अराइज होते हैं। राइजॉइड्स आर एक्चुअली द आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स। यह एपिडर्मल सेल्स की आउटग्रोथ है जो थैलस के जो है एनकरेजमेंट का मुख्य कार्य करते हैं। यह थैलस की सतह से पकड़ बनाए रखने में हेल्पफुल होते हैं। थैलस में जो डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस में मिडरिब रीजन पर सेक्स ऑर्गन्स जो है एम्बेडेड अवस्था में धसे हुए जो है रहते हैं। रिक्शिया के जो सेक्स ऑर्गन्स है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है आर्किगोनियम है। एंथ्रिडियम जो है एंथ्रिडियल कैविटी में उपस्थित होता है। यह एक एंथ्रिडियल कैविटी में उपस्थित होता है और एंथ्रिडियम पियर शेप्ड का नाशपति के आकार का होता है। इसमें इसके बेस पर एक स्टॉक उपस्थित होता है। इस स्टॉक एंथ्रिडियल स्टॉक के ऊपर यह एंथ्रिडियम उपस्थित होता है। रिक्शिया ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वह सिंगल लेयर्ड जैकेट द्वारा घिरे हुए रहते हैं। यह भी एक ब्रायोफाइट का इंपॉर्टेंट करेक्टर है। एल्गी में जैसा कि हमने देखा था कि एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वह जैकेट कोशिकाओं द्वारा घिरे हुए नहीं रहते, जबकि ब्रायोफाइट्स में यह इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि सेक्स ऑर्गन्स आर सराउंडेड बाय सिंगल लेयर जैकेट कवरिंग। तो यह जो एंथ्रिडियम है यह सिंगल लेयर जैकेट कोशिकाओं द्वारा घिरा हुआ रहता है और यह सिंगल लेयर जैकेट कोशिकाएं जो है एंट्रोसाइट सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यह एंट्रोसाइट सेल्स एंथ्रोसाइट्स का निर्माण करती है। इसी तरह आर्किगोनियम जो है सिक्स वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल से निर्मित होता है। आर्किगोनियम में नेक रीजन और बेसल वेंटर रीजन पाया जाता है। इसकी आकृति जो है फ्लैस्क शेप की होती है, फ्लैस्क नुमा आकृति का होता है आर्किगोनियम। इसमें जो अपर रीजन है इसे नेक कहते हैं और लोअर रीजन को वेंटर कहते हैं। नेक में सिक्स वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स उपस्थित होती है और वेंटर रीजन में एक एग उपस्थित होता है। जो नेक रीजन है इसके अंदर नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स उपस्थित होती हैं। नेक रीजन के टिप पर चार कवर सेल्स उपस्थित होती हैं जो इसके टिप को क्लोज करती हैं। नेक जो है पूरी तरह धसा हुआ रहता है, एम्बेडेड अवस्था में रहता है थैलस के डॉर्सल सरफेस पर, लेकिन इसका ये जो टिप है यह थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है और थैलस में यह एक उभार के रूप में दिखाई देता है। इस तरह आज हमने रिक्शिया के जो है गैमेटोफाइट को स्टडी किया है, इसके थैलस के जो है थैलस के स्ट्रक्चर एवं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है हमने देखा और जाना। धन्यवाद।